Hey guys, I hope you all are doing well. We all have Way series with us. So, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इनका रियूज कर सकते हैं एंड ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड क्लासी डिकोर में. So, हम लेंगे ये सीडी. इस प्रोजेक्ट में हम एक ही सीडी का यूज़ करेंगे. सीडी का जो डायमीटर होता है ये 12 सेंटीमीटर का होता है. तो सीडी के एंड पोर्शन से हमें 0.5 सेंटीमीटर के गैप में इस तरीके से कुछ मार्क्स लगा लेना है. एंड उसके बाद ये जो पॉइंट्स हमने बनाए हैं हम इन पॉइंट्स को इस तरीके से जॉइन कर लेंगे. एंड अगेन हम सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे. इस बार जो हमारा मेजरमेंट रहेगा वो 2 सेंटीमीटर का रहेगा. मतलब जो इस बार हम मार्क्स लगाएंगे ये 2 सेंटीमीटर के गैप में लगाएंगे. मेजरमेंट हम एंड पोर्शन से ही लेंगे एंड देन ये जो सारे पॉइंट्स हैं हमें इनको जॉइन कर लेना है. सो बेसिकली हमने यहाँ पे 2 सर्कल बनाए हैं. आप चाहें तो इस प्रोसेस के लिए आप कंपास का भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई फाउंड दिस वे वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट. नाउ जो सीटी का रिमेनिंग पार्ट है अंदर की साइड का, इसमें हम ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे. कलर हम थोड़ा केयरफुल होके लगाएंगे. कोशिश करेंगे कि जो हमने सर्कल बनाया था एज अ गाइडेंस उसे यूज़ करने का, एंड उसी के अंदर के पार्ट में हम कलर करेंगे. यहाँ पे मैं आकली कलर का यूज़ कर रही हूँ. एंड इन द सेम वे जो सीडी का आउटर पार्ट है जहाँ पे हमने 0.5 सेंटीमीटर के गैप में मार्क्स लगाए थे, वहाँ पे भी हम ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे. सो ये कुछ ऐसा तैयार हो जाएगा. नेक्स्ट आई एम टेकिंग दीज ग्लास कलर्स. फर्स्टली आई एम यूजिंग दिस लेमन येलो कलर. ये जो ग्लास कलर्स हैं ये वाटर बेस्ड कलर्स हैं. इसे हम ऐसे ही रैंडमली अप्लाई करेंगे. एंड देन आई एम यूजिंग दिस सी ब्लू कलर. सो एज यू कैन सी आई एम मिक्सिंग दिस कलर्स इन द वे ताकि मुझे एक शेडेड टाइप का पैटर्न मिल जाए. सो इफ़ यू डोंट वॉन्ट दिस टाइप ऑफ लुक तो आप किसी एक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं. कलर्स ड्राई होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग द शेड्स. नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये ग्लास लाइनर. ये ग्लास कलर के सेट के साथ ही मिलता है. लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. नेक्स्ट हम बनाएंगे इसमें डिज़ाइन. सो फॉर दैट पहले हम ये इक्वल डिस्टेंस में इस तरीके से कुछ डॉट्स बना लेंगे एंड इन द सेम वे हम अपोजिट साइड में भी डॉट्स बना लेंगे. ये एक्चुअली हम एज अ गाइडेंस यूज़ करेंगे अपने डिज़ाइन के लिए एंड देन बस हमें इन डॉट्स को ज्वाइन करके इस तरीके से लाइन बनानी है और इससे हमें कुछ इस तरीके का डिज़ाइन मिलेगा. सो बिकॉज ऑफ द डॉट्स ये डिज़ाइन बनाना बहुत ईजी हो जाता है. इस तरीके के जो पैटर्न डिज़ाइंस होते हैं जहाँ पर हम कोई भी लाइन्स या शेप को हम रिपीट करते हैं, तो एक तो इन्हें बनाना बहुत ही आसान होता है और इनका जो आउटकम होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है. इन द नेक्स्ट स्टेप अगेन हम कुछ डॉट्स बनाएंगे और इस बार हम टूथपिक का यूज़ करेंगे. टूथपिक इज़ वन ऑफ द बेस्ट जुगाड़ वाला टूल जहाँ पे भी हमें डॉट्स बनाने हो. इसके दोनों ही एंड से हम 2 डिफरेंट साइज़ के डॉट्स बना सकते हैं. लाइक फॉर वाइट डॉट्स मैंने जो इसका शार्प एंड होता है वो यूज़ किया था और यहाँ पे अब जो पीछे वाला पोर्शन होता है वो मैं यूज़ कर रही हूँ. नेक्स्ट जो सीडी का बैक साइड है इसमें हम सेम मेजरमेंट्स लेके पहले ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे एंड देन इंस्टेड ऑफ ग्लास कलर्स मैं आकली कलर का यूज़ कर रही हूँ. तो पहले मैंने वाइट कलर का बेस कोट यहाँ पे दिया है. द रीज़न इज़ मार्कर से हम यहाँ पे कई बार लिख लेते हैं एंड कई बार सीडी का ब्रांड वगैरह लिखा रहता है, तो अगर हम डायरेक्टली ग्लास कलर्स इसमें यूज़ करेंगे तो वो हाइड नहीं होगा. सो बेस कोट देने के बाद आप चाहें तो ग्लास कलर्स का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर आकली पर्ल कलर यूज़ किए हैं ब्लू एंड गोल्डन कलर में. एंड देन हम फॉलो करेंगे सेम प्रोसीजर्स जैसे हमने पहले किया था. डॉट्स बना के हम सेम डिज़ाइन हम बैक साइड में भी बनाएंगे. सो जहाँ पे मैं इसे हैंग करने वाली हूँ वहाँ से बोथ द साइड्स विल बी विजिबल. तो अगर आप प्लान कर रहे हैं इसे वॉल में हैंग करने का या किसी भी ऐसी जगह जहाँ से इसका जो एक पार्ट है वो हिडन रहेगा, तो आप कम्प्लीटली ये स्टेप स्किप कर सकते हैं. नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये जेम स्टोन्स. ये मैंने लोकल शॉप से लिए थे. इनको स्टिक करने के लिए सबसे पहले हम ग्लू अप्लाई करेंगे
एंड देन हम लगाएंगे अपने स्टोन्स को। स्टोन्स को लगाने के लिए आप टूथपिक की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे आपको टूथपिक के एंड में बहुत हल्का सा ग्लू लगाना है सो दैट इट विल बी इजी टू पिक एंड देन वी हैव टू कीप द स्टोन इन एग्जैक्ट प्लेस जहाँ हमें स्टोन को स्टिक करना है। नेक्स्ट हम लेंगे ये ब्लैक कलर की ऊन और इससे बनाएंगे हम अपने टैजल्स। टैजल्स बनाने के लिए हम ऊन को इस तरीके से अपने फिंगर्स में लपेट लेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 50 टाइम्स इसे रोटेट किया है इस तरीके से एंड देन हम इसे कट कर लेंगे। अब हम एक्स्ट्रा थ्रेड से इसे इस तरीके से टाइटली सिक्योर कर लेंगे एंड देन जो इसका एंड पोर्शन है वहाँ से इसे कट कर लेंगे। नेक्स्ट अगेन ये जो पोर्शन है हम उनका एक टुकड़ा लेंगे और इसे इस तरीके से टाइटली सिक्योर कर लेंगे। एंड लास्टली ये जो बॉटम पार्ट है इसे हम इक्वल लेंथ में इस तरीके से कट कर लेंगे और ये रेडी हो चुका है। इन द सेम वे हम बाकी के टेजल्स भी रेडी कर लेंगे। और अब हम लेंगे ये कलरफुल मोतियाँ और इनको हम ऐड करेंगे अपने टेजल्स में। फॉर दैट आई एम गोइंग टू शेयर वन सिंपल ट्रिक विद यू। तो हम थोड़ा सा ग्लू अपने फिंगर्स में ले लेंगे और इस तरीके से हम ग्लू को उनमें लगा लेंगे। इससे क्या होगा, ये जो एंड पार्ट है ये थोड़ा सा स्टिफ हो जाएगा। तो आप यहाँ दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। सो इन दिस वे थोड़ा ईजी हो जाता है मोतियों को डालना है इसमें। अब अकॉर्डिंगली आपके पास जो भी मोतियाँ अवेलेबल हैं और जिस भी पैटर्न में आप इन्हें अरेंज करना चाहते हैं हम लगा लेंगे और इन द सेम वे जो बाकी के टेजल्स हैं हम उनको भी रेडी कर लेंगे। हमारी सीडी रेडी है, हमारे टेजल्स रेडी हैं। नाउ द क्वेश्चन इज इन दोनों को हम अटैच कैसे करेंगे। सो फॉर दैट हम लेंगे एक सेफ्टी पिन और इसको हम हीट करेंगे। सो वी हैव टू बी केयरफुल इन दिस पार्ट और इसे हम अपनी सीडी में होल्ड करेंगे। सो हेयर वी हैव टू रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर फ्यू टाइम्स। सो मेक श्योर जहाँ पे भी आप होल्ड करना चाहते हैं पहले से आप वहाँ पे मार्क लगा लीजिए ताकि हमें इक्वल डिस्टेंस पे वो होल्ड कर सके। एंड देन हम अटैच करेंगे अपने टेजल्स को। जैसे कि हमने टेजल्स पर पहले ही ग्लू लगाया हुआ है जिसकी वजह से ये स्टिफ हैं तो ईजिली हम इन होल्स में भी इनको इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम सारे ही टेजल्स लगा लेंगे देन अकॉर्डिंगली हमें जो लेंथ चाहिए इसको एडजस्ट करेंगे और फिर जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हमारा है उसे हम कट कर लेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज ट्यूटोरियल गाइज। आई होप आपको ये यूनिक आइडिया पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए। आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप ट्राई करते हैं इस DIY आइडिया को डू शेयर पिक्चर्स विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम। लिंक यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब फॉर सच अमेजिंग DIY आइडियाज़।